आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का फोन नंबर चेंज कैसे करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने और हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। सबसे पहले बात करें बैंक ऑफ इंडिया की या बैंक ऑफ बड़ौदा की या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, इन सभी के हमारे स्टेट में ऑनलाइन प्रोसेस बंद कर दी गई है। यूँ कहें तो ऑनलाइन प्रोसेस अभी मतलब एक्टिवेट ही नहीं की, मतलब आप ऑनलाइन चेंज नहीं कर सकते, आपको केवल ऑफलाइन ही चेंज करना होगा। ऑफलाइन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म कैसा होगा वो आपको बैंक में जाके प्रोवाइड हो जाएगा। आप जब अपने बैंक में जाएंगे, ब्रांच में जाएंगे और वहाँ से कहेंगे मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का या बैंक ऑफ इंडिया का या बैंक ऑफ बड़ौदा का फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो आपको फॉर्म दे देंगे। उस फॉर्म को फिल कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आपको देखिए। सबसे पहले आपको बैंक में जाकर इस फॉर्म को लेना होगा या आप ऑनलाइन भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने शाखा का नाम देना होगा, जहाँ भी आपकी ब्रांच लगती है आप वहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फ़ोटो देना होगा, आपको कस्टमर आईडी जो कि आपके पासबुक पर लिखी होती है। उसके बाद आपका प्रथम नेम मतलब फर्स्ट नेम क्या है, जैसे मेरा नाम सुहास, माई सुहास, तो माई मेरा फर्स्ट नेम हो गया, सुहास मेरा लास्ट नेम हो गया। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर मतलब आपका खाता संख्या आपके पासबुक पर दे रखी होती है। आपका अगर पैन कार्ड बना हुआ है तो वह पैन नंबर डाल देंगे, नहीं तो इसे ऑप्शनल में होता है छोड़ देंगे। उसके बाद आपका आधार नंबर जो कि आपके आधार कार्ड पर दिया होता है। यहाँ पर मौजूदा मोबाइल नंबर, यदि आपको अपना मोबाइल नंबर पता है कि मेरा मोबाइल नंबर कौन सा है या आपको नहीं पता तो यहाँ पर आप कॉलम छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई एक नया मोबाइल नंबर जो भी आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपका क्यों चेंज करना चाहते हैं उसका रीज़न लिखेंगे, जैसे मेरा मोबाइल नंबर बंद हो गया या मेरी सिम बंद हो गई। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको और भी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, जैसे कि आपका पता, मकान नंबर आपका कितना है, आपके आधार कार्ड पर दे रखा होता है उतना लिख देंगे, गली, उसके बाद आप एरिया कहाँ रहते हैं, क्या कहते हैं लोकल एरिया जो भी जहाँ भी रहते हैं लिख सकते हैं, शहर आपका कौन सा है, जैसे शहर मेरा पीलीभीत उसे लिख देंगे, आपके शहर का पिन कोड कितना है वह फिल करेंगे, आपका स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, उसे फिल कर देंगे। यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा, ये फॉर्म जमा करेंगे उस तारीख को फिल करेंगे, यह बैंक द्वारा फिल किया जाएगा। उसके बाद इसके साथ आपको अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड के और बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले जाकर बैंक में जमा करना होगा और आपका 24 से 48 घंटे में फ़ोन नंबर चेंज कर दिया जाएगा। करता हूँ आपको ये फॉर्म भरना काफ़ी आसानी तरीके से मैंने समझा दिया है। आप बैंक ऑफ इंडिया में ऑफलाइन मोबाइल नंबर चेंज करने का तरीका सीख गए। फॉर्म कैसे भरेंगे इस पर भी आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और इसी तरह की रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।